NIOS अर्थशास्त्र 214 क्लास 10 मॉड्यूल 5 मुद्रा बैंकिंग तथा बीमा के तहत मुद्रा और उसकी भूमिका के सभी प्रश्न उत्तरों का समाधान करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, वस्तु विनिमय प्रणाली की परिभाषा दीजिए। दूसरा है, वस्तु विनिमय प्रणाली के दो उदाहरण दीजिए। वस्तु का वस्तु से विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। दो उदाहरण, 10 किलोग्राम गेहूं 5 किलोग्राम चीनी के लिए देना, एक जोड़ी जूते के लिए 8 किलोग्राम चावल देना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की परिभाषा दीजिए। वस्तु विनिमय प्रणाली से जुड़ी दो कठिनाइयां बताओ। दो व्यक्तियों में वस्तुओं का आपस में विनिमय आवश्यकताओं के दोहरे संयोग कहे जाते हैं। साथ ही अगला प्रश्न जो है, वस्तु विनिमय प्रणाली से जुड़ी दो कठिनाइयां। पहली, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की कमी। दूसरा, मूल्य के संचय की कमी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, विनिमय के माध्यम की परिभाषा दीजिए। दूसरा है, वस्तु के मूल्य का अर्थ बताओ। कोई वस्तु जिसे वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय के लिए सामान्यतया स्वीकार किया जाता है, तो उस वस्तु को विनिमय का माध्यम कहते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तु के मूल्य का अर्थ बताओ। वस्तु का मूल्य बराबर वस्तु की कीमत गुणे वस्तु की मात्रा। आगे बढ़ते हैं। करेंसी नोट का अर्थ बताओ। करेंसी नोट मुद्रा का एक प्रकार है। अब बड़े प्रश्न की तरफ चलेंगे। चार प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कार्य प्रणाली की व्याख्या करो। वस्तु विनिमय प्रणाली के मुख्य दोष क्या हैं? मुद्रा की परिभाषा दीजिए और इसके किन्हीं तीन कार्यों का उल्लेख कीजिए। भारत में करेंसी नोटों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। चार बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षाओं के लिए भी। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न, वस्तु विनिमय प्रणाली की कार्य प्रणाली की व्याख्या करो। प्राचीन काल में जब लोग छोटी छोटी संस्थाओं में रहते थे और अधिक विकास नहीं हुआ था, जैसा कि आप आज देखते हैं, वे एक दूसरे की सहायता वस्तु विनिमय प्रणाली से परस्पर एक दूसरे को लाभ पहुंचा कर करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली का क्या अर्थ है? वस्तु विनिमय प्रणाली से अभिप्राय एक प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय दूसरी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं से करने से है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का कोई योगदान नहीं था। जब एक वस्तु का बिना मुद्रा के प्रयोग के दूसरी वस्तु के साथ विनिमय किया जाता है, तो हम उसे वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा व्यापार कहते हैं। प्राचीन सभ्यता में ऐसा होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। और प्राचीन काल में यूरोप से व्यापारी वस्तुओं जैसे फर और शिल्प का विनिमय इत्र और रेशम के बदले संसार के पूर्वी भागों से किया करते थे।
भारत में बहुत से जनजाति समाजों में परिवार भोजन तथा अन्य श्रमिक सेवाओं का विनिमय किया करते थे। उदाहरण के लिए, यदि एक परिवार को फसल काटने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता है, तो दूसरा परिवार सेवा प्रदान करने के लिए इस वादे के साथ आता था कि वह बदले में इसी प्रकार की सहायता फसल काटने के लिए या घर की छत डालने के लिए प्राप्त करेगा। इस प्रकार की रीति भारत के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में आज भी प्रचलित है। स विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में लोग जैसे किसान, शिल्पकार, मोची, बढ़ई आदि अपने उत्पाद और सेवाओं का आपस में विनिमय किया करते थे। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली के मुख्य दोष क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष, पहला, आवश्यकताओं के दोहरे संजोग की कमी, दूसरा, वस्तुओं के विभाजन में कमी, तीसरा, माप की सामान्य इकाई का न होना, चौथा, बहुत बड़ी मात्रा का भंडारण समस्या, और पांचवा, वस्तु की गुणवत्ता और मूल्य में कमी। पहला, आवश्यकताओं के दोहरे संजोग की कमी। मित्रों, इसमें एक व्यक्ति को अगर कोई वस्तु जरूरत है और उस जरूरत को वह अपने यहाँ कुछ देकर प्राप्त करना चाहता हो, तो उसके सामने दिक्कत यह है कि जो उसकी जरूरत की चीज़ है वह किसके पास है। दूसरी जो समस्या है, वह उसके बदले में इसके पास जो चीज़ है वो लेगा कि नहीं। तो इस तरह के दोहरे संजोग की कमी के कारण वस्तु विनिमय प्रणाली का ये समाप्त हो गया था, यह होने में एक बहुत बड़ा कारण था। अगला है, वस्तुओं के विभाजन में कमी। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। वस्तुओं के विभाजन में कमी जो है, कुछ वस्तुएं भौतिक रूप से छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं की जा सकती। मान लो एक व्यक्ति के पास एक गाय है और उसे वस्तुओं जैसे कपड़ा, अनाज आदि की आवश्यकता है। तब कितनी गाय कपड़े के बदले में और कितनी गाय खाद्यान्नों के बदले में दी जा सकती है, इसका निर्धारण करना बहुत कठिन था, क्योंकि गाय को अनेक भागों में नहीं बांटा जा सकता है। तो ये एक दोष है वस्तुओं के विभाजन में कमी का। अगला है, माप की सामान्य इकाई का न होना। यही बात यहाँ पर है। जो भी हम गाय का उदाहरण देखे थे, इसमें क्या था, यह तय करना बहुत कठिन हो था कि गाय की कितनी मात्रा खाद्यान्न की एक विशिष्ट मात्रा के लिए या कुछ गज कपड़े के लिए दी जाए। यह बेतुका भी प्रतीत होता है। यह इसलिए होता है कि एक गाय कभी भी मूल्य का सामान्य माप नहीं हो सकती। यह समस्या अन्य सभी वस्तुओं के विषय में भी समान ही है। आगे है, बहुत बड़ी मात्रा का भंडारण समस्या। वस्तु विनिमय प्रणाली के कई दोषों में से यह दोष बड़ा महत्वपूर्ण है कि वस्तु बड़ी मात्रा का भंडारण समस्या। बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं का भंडारण रखना पड़ता है ताकि उसका विनिमय किया जा सके। तो इसको संभाल कर रखना भी एक समस्या था कि उस समय भंडारण की सुविधा नहीं थी। पांचवा है, वस्तु की गुणवत्ता और मूल्य में कमी। अंत में वस्तु विनिमय प्रणाली की एक बड़ी समस्या यह है कि किसी वस्तु की वास्तविक गुणवत्ता और मूल्य में कमी हो जाती है यदि इसका भंडारण एक लंबी अवधि के लिए किया जाता है। कुछ वस्तुएं जैसे नमक, सब्जियां आदि नाशवान है, इसीलिए वस्तुएं भविष्य में व्यापार के लिए कभी स्वीकार नहीं की जाती, क्योंकि उनका प्रयोग क्रय शक्ति के संचय के लिए नहीं किया जा सकता। इसका यह भी तात्पर्य है कि कोई वस्तु उधार देने या लेने के उद्देश्य से प्रयोग नहीं की जा सकती है। तो ये है वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष। आगे बढ़ते हैं।
मुद्रा की परिभाषा दीजिए और इसके किन्हीं तीन कार्यों का उल्लेख कीजिए। मुद्रा को उस वस्तु के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में समाज द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार किया जाए, जो लेखे की इकाई के रूप में कार्य कर सकती है, कार्य शक्ति का संचय कर सकती है और जिसे ऋण चुकाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ये मुद्रा की परिभाषा है। अब किन तीन कार्यों का उल्लेख कीजिए। मुद्रा के तीन कार्य, पहला विनिमय का माध्यम, दूसरा मूल्य का मापन, तीसरा क्रय शक्ति का संचय। विनिमय का माध्यम, मुद्रा का प्राथमिक कार्य यह है कि यह विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। इसका तात्पर्य यह है कि लोग मुद्रा की सहायता से वस्तुएं और सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं। वस्तु के विक्रेता द्वारा मुद्रा प्राप्त की जाती है तथा वस्तु के क्रेता द्वारा मुद्रा का भुगतान किया जाता है। उदाहरण, आप एक पेन खरीदने के लिए 10 रुपया का भुगतान करते हैं। विक्रेता आपसे पेन बेचकर 10 रुपया प्राप्त करता है। इस प्रकार एक पेन का 10 रुपये के लिए विनिमय किया जाता है। अगला दूसरा है मूल्य का मापन। मुद्रा का दूसरा मौलिक कार्य यह है कि यह लेखे की इकाई अथवा मूल्य के सामान्य माप के रूप में कार्य करती है। किसी वस्तु का मूल्य इसकी कीमत को बाजार में बेची गई मात्रा से गुणा करके ज्ञात किया जाता है, क्योंकि कीमत मौद्रिक इकाई के रूप में व्यक्त की जाती है। किसी वस्तु के मूल्य को मुद्रा के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। उदाहरण, मान लो चावल की कीमत 20 रुपया प्रति किलोग्राम है। चावल से भरे एक बोरे का भार 25 किलोग्राम है, तो चावल के बोरे का मूल्य हुआ 20 × 25 अर्थात 500 रुपये। तीसरा है क्रय शक्ति का संचय। मुद्रा क्रय शक्ति के संचय का कार्य भी करती है। कैसे? विनिमय के माध्यम के रूप में आप वस्तुएं खरीदने के लिए मुद्रा का भुगतान कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि आपके पास मुद्रा है तो आपके पास किसी वस्तु या सेवा को खरीदने की शक्ति है। इसलिए मुद्रा में क्रय शक्ति होती है। वस्तु का मूल्य उस क्रय शक्ति में समाविष्ट होता है। इसलिए किसी वस्तु का मूल्य अप्रत्यक्ष रूप से आपके पास मुद्रा के रूप में संचय किया जाता है। इसी प्रकार वस्तु के एक विक्रेता के रूप में आप मुद्रा प्राप्त करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वस्तु का मूल्य जो आपने बेची आपके पास मुद्रा के रूप में वापस आ जाता है। उदाहरण, सुशीला के पास कुछ काम है, आम है, जिन्हें वह एक क्रेता को 250 रुपया में बेचती है। इसका अर्थ है कि 250 रुपया के मूल्य का विनिमय हुआ। क्रेता जिसने आम खरीदे उसके पास देने के लिए 250 रुपया मूल्य की क्रय शक्ति है। इसलिए सुशीला द्वारा विक्रेता के रूप में प्राप्त 250 रुपये के मूल्य का मुद्रा के रूप में संचय किया गया। सुशीला आमों का संचय नहीं कर सकती थी, किंतु वह निश्चित रूप से मुद्रा का संचय कर सकती है। उसने 250 रुपया मूल्य का संचय किया है। अगला प्रश्न है, भारत में करेंसी नोटों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। भारत में करेंसी नोट, करेंसी नोट मुद्रा का एक प्रकार है। भारत में करेंसी नोट अर्थात कागज के नोट 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 और 2000 रुपये के अंकित मूल्य में होते हैं। रुपया का चिन्ह रुपया है। करेंसी नोट की भारत सरकार द्वारा जमानत दी जाती है। भारत के करेंसी नोट भारत में ही वैध है। दूसरे देश में जाने पर इसे उस देश की करेंसी में बदल लिया जाता है। तो पूरा हुआ मित्रों, मेरा यह छोटा सा प्रयास
अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे बताएं, मैं और प्रयास करने के लिए कोशिश करूंगा, वरना इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।